नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे कक्षा एक से लेकर आठ तक के छात्रों के बारे में। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के कारण शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई तो बाधित हुई ही, साथ ही साथ उनका एनुअल परीक्षा भी रोक दिया गया था। लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन पालन करने की बात कही गई है। ऐसे में अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य में कक्षा एक से लेकर आठ तक की परीक्षा जरूर ली जाएगी। हम पूरी परिस्थिति का आकलन सूक्ष्म तरीके से कर रहे हैं। बिहार में अभी कोरोना की स्थिति सामान्य है, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो परीक्षाएं जरूर ली जाएंगी, इससे बच्चों की पढ़ाई मजबूत होगी। इस दौरान इन्होंने इशारों में कहा कि आरटीई के नियमों के कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। बता दें कि पिछले साल इस छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। बता दें कि इस साल भी कोरोना के कारण स्कूल को लंबे समय तक बंद कर दिया गया था, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ा है। बता दें कि प्राइवेट स्कूल एक तरफ जहां ऑनलाइन माध्यम से छात्रों की पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई न के बराबर हुई। ऐसे में छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों की परीक्षा को लेकर विभाग ने मंथन जारी कर दिया है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उससे अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों की परीक्षाएं ली जा सकती है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान जब स्कूल बंद था, उस समय शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में यह कहा गया था कि बिहार राज्य बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2019 में यह नियम है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को पांचवी और आठवीं कक्षा में रोका जा सकता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूल 13 मार्च 2020 से बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद 8 फरवरी 2021 से कक्षा 6 से लेकर 8 तक और 1 मार्च 2021 तक से 1 से लेकर 5 तक की कक्षा का संचालन शर्तों के साथ प्रारंभ किया गया था। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में कक्षाओं का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाया। इस कारण से पहली से लेकर आठवीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग ने बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया था। हालांकि अब साल 2022 में कोरोना काल के मामलों में कमी आई है, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर जो है अब जो है एक तरह से कह लें कि एक सामान्य स्थिति में है। कोरोना के उतने मामले सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस साल भी कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे हैं, या फिर कहें कि कई पाबंदियों के साथ स्कूल खोले गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है। अब विभाग परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है, यानी कि कक्षा एक से लेकर आठ तक के छात्रों की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। ऐसे में विभाग को बच्चों के सिलेबस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो परीक्षा में सवालों का सही सही जवाब दे सके। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।